पंजाब में भगवान मान की सरकार एक के बाद एक विवादों में घिर रही है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे, वहीं अब भ्रष्टाचार के एक मामले में आईएएस अधिकारी संजय पोपली की गिरफ्तारी के बाद एक दर्दनाक घटना उनके घर पर हुई। आईएएस अधिकारी संजय पोपली की कोर्ट में पेशी होनी थी, वहीं इस बीच संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की चंडीगढ़ स्थित आवास में मौत हो गई। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। पहले खबरें आई जिनमें यह कहा गया कि कार्तिक ने गोली मारकर खुदकुशी की है। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक कार्तिक के सिर पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद जांच शुरू कर दी है, लेकिन कार्तिक की मां ने इस पूरे मामले में विजिलेंस की टीम पर और सीएम भगवान मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्तिक की मां के मुताबिक विजिलेंस के कर्मियों ने ही उनके बेटे को प्रताड़ित किया और विजिलेंस कर्मियों ने ही उनके बेटे को गोली मारी है। उन्होंने कहा कि मुझे यह हैरानी होती है कि जब ये लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम लोगों के साथ कैसा करते होंगे। उन्होंने विजिलेंस की टीम पर अपने बेटे से लगातार 12 घंटे तक पूछताछ करने का, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस कर्मियों ने उनके बेटे के सिर पर पिस्टल भी तान रखी थी, उसे धक्का भी मारा गया। उन्होंने डीएसपी गोयल पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। यही नहीं, कार्तिक की मां ने सीएम भगवान मान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए ये कहा कि आप दिखाएं कि भगवान मान पंजाब में क्या करवा रहे हैं, एक मां से उसका इकलौता बेटा छीन लिया गया। कार्तिक की मां जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने खून से सने हाथ भी दिखाए। उन्होंने कहा कि सीएम भगवान मान ने अपना रुतबा दिखाने के लिए झूठा केस बनवाया था। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मैं पुलिस वालों की नहीं करवाऊंगी। मैं ये हाथ नहीं धोऊंगी, जो होगा वील सी यू भगवंत मान। आई एम ब्लडी नॉट अ ब्लडी कोई हम भिखारी नहीं, सड़क है जो चुक है तू कुछ भी कर लेगा। तूने अपना रुतबा बनाने के लिए लोग, तूने मेरे बेटे को मारा, यू हैव प्रेशराइज, क्योंकि हम करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं, वी नीड सम हाई प्रोफाइल ठेकेदारों को साथ मिला के फड़िया। तू 24 लीगल चौपड़ पट्टी नु नहीं फड़िया, तूने झूठा केस बनवाया, एविडेंस ना मिलने पे तेरी मेरे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी फैमिली को कि तुम लोगों की सारी यूनिफॉर्म उतरे, एक माँ की हाय है तुम लोगों पे। कार्तिक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो लॉ का स्टूडेंट था, कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं अगर आईएएस अधिकारी संजय पोपली की बात करें तो उन पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों से रिश्वत मांगी थी, जिसे संज्ञान में लेने के बाद विजिलेंस टीम ने चंडीगढ़ स्थित आवास में उन्हें गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन टीम को जो शिकायत मिली थी उसके मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना में 7 करोड़ की सीवरेज परियोजना में संजय 1% का कमीशन मांग रहे थे। विजिलेंस ने दावा किया कि पोपली ठेकेदार से शेष 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने फोन कॉल को भी रिकॉर्ड किया था और भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन जिस तरह के आरोप वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी ने अब लगाए हैं, इसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब जांच के बाद ही क्लियर होगा। अब ऐसे में यह पूरा मामला क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।